मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और इस चुनावी संग्राम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक बोला है। सीएम शिवराज से कांग्रेस पर निशाना साधा, शिवराज ने कांग्रेस को झूठ की दुकान कहा है। कांग्रेस शासित राज्य में चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी दो हिस्सों में बांटा है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कमलनाथ ने अखिलेश यादव का अपमान किया है। आप ये बात समझिए, जिस तरह से अभी खासतौर से गठबंधन में एक अलग रस्साकशी नजर आती है, मनमुटाव नजर आता है, मध्य प्रदेश में चुनावी टिकटों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाराजगी जाहिर की गई थी, अब उसको भी एक तरह से ये कहा जाए उस पर भी चुटकी लेते हुए, तंज कसते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है, उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महा झूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था किसानों को फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, एक पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में दो हिस्सों में बट गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, कमलनाथ जी ने तो इंडी गठबंधन का भी सत्यानाश कर दिया। अब वो कह रहे हैं अखिलेश वखिलेश अपने समर्थकों के लिए, इंडी गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनके लिए ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ तो ना गठबंधन का कोई भविष्य है और ना कांग्रेस का कोई भविष्य है। और इस समय भोपाल से मकरंद काले हमारे साथ में जुड़े हैं। मकरंद, सियासी संग्राम मध्य प्रदेश में है और ऐसा कोई मौका ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोड़ते हैं, ना ही कांग्रेस नेता कमलनाथ छोड़ते हैं एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए, लेकिन इस बीच जो मनमुटाव है कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर, उस पर ही तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कल कमलनाथ को लेकर के निशाना साधा है, अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन को लेकर के जो कशमकश चल रही है उसको लेकर भी निशाना साधा है कि कमलनाथ सीधे तौर पर, अब जब अखिलेश कमलनाथ ने बोला था उसके बाद से पूरी राजनीति जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो अखिलेश ने केवल आरोप लगाए थे कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया या फिर उनके लोगों के नाम ले लिए गए, लिस्ट ले ली गई, लेकिन सहमति नहीं बनाई गई। दरअसल कमलनाथ से भी हमने कल इस मामले में बात की तो उनका कहना था कि जिन सीटों की मांग समाजवादी पार्टी द्वारा की जा रही थी तो वहां के स्थानीय नेता इसके लिए राजी नहीं थे, इसीलिए वो फलीभूत नहीं हो पाया। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और इस दौरान समाजवादी पार्टी भी अपने वोट बैंक को लेकर के, या कहें कि अपनी रणनीति को लेकर के आगे काम कर रही थी। हर बार समाजवादी पार्टी चूंकि अलग चुनाव लड़ती थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो नाराज नेता थे वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते थे और वहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से समाजवादी पार्टी में ज्यादा नेता नहीं जा रहे क्योंकि सीधे तौर पर वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो इसको दोहरा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है क्योंकि ना कांग्रेस और बीजेपी के नाराज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और ना ही सीटों की शेयरिंग की वजह से उनका वोट शेयर बढ़ सकता है। तो दो तरफा मार अखिलेश यादव को लगी है और इसी वजह से वो इतना बौखलाए हुए हैं। कमलनाथ ने साफ तौर पर जब कहा, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इसी के साथ